हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब बात आती है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की तो उसमें स्ट्रॉन्गली नाम आता है बुलेरो नियो का। और जो सामने वेरिएंट आप देख रहे हैं ये है भाई इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। क्यों है? क्योंकि भाई 10 लाख रुपए एक्सरूम प्राइस है, वहीं 11,70,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव हरियाणा में। इस प्राइस रेंज में ऐसी गाड़ी, ऐसा डायमेंशन शायद ही आपको सेगमेंट की किसी दूसरी गाड़ी में मिलने वाला है। आज इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करेंगे इस वेरिएंट में क्या कुछ आपको मिल जाएंगे, कितने फीचर्स आपको एडिशनल मिलते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, 10 लाख रुपये एक्सरूम में आपको इतनी शानदार गाड़ी मिल जाती है, वहीं गाड़ी का रोड प्रेजेंस भाई काफ़ी कमाल का है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का फ्रंट लुक मिलता है। ऑलमोस्ट 1718 mm की गाड़ी में आपको विड्थ देखने को मिल जाती है। रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का कमाल का है। वहीं बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, तो जो हेडलैम्प है ये आपको हेलोजन फॉर्म में मिलता है। बेस टू टॉप जो हेडलैम्प है ये आपको हेलोजन में मिलते हैं। वहीं कुछ इस प्रकार की सामने ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। सामने नया वाला लोगो मिल जाता है महिंद्रा का। कोई भी फॉग लैंप आपको यहां पे नहीं मिलेगा। बेस टू टॉप कोई भी फॉग लैंप आपको यहां पे नहीं मिलने वाला। टॉप मॉडल से लेके N8 वेरिएंट में लगभग आपको 1,50,000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। 1.5 लाख रुपये सस्ती आती है N10 ऑप्शनल से N8 वेरिएंट। तो भाई जो ये वेरिएंट है ना, ये मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कितने फीचर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सबसे पहले आप चेक करो गाड़ी का साइड लुक, क्या कमाल का ही लुक निकल के आ रहा है गाड़ी में। एक मिनी डिफेंडर की सी फील आती है इस गाड़ी को देख के। 3995 mm की गाड़ी में लेंथ मिल जाती है, वहीं 2680 mm का गाड़ी में आपको व्हील बेस मिलता है। ऑलमोस्ट 1850 mm की गाड़ी में आपको हाइट देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें गाड़ी के टायर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 15 इंच के टायर मिल जाते हैं, 215/75 R15। यहाँ पे आपको व्हील कवर मिल जाते हैं, आगे डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी है। गाड़ी में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इस गाड़ी को भाई आप कैसे भी रोड पे लेके जाओ, आराम से निकलने वाली है। वहीं बात करें ORVM के बारे में, तो यहाँ पे बॉडी कलर्ड ORVM आ जाता है, इंडिकेटर फेंडर पे मिलेगा। वहीं जो डोर हैंडल है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। गाड़ी के अंदर आपको 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। वहीं सबसे बड़ी USP है इस गाड़ी का रियर लुक। ये देखिए रियर से गाड़ी काफ़ी कमाल की लगती है। वहीं एक स्पोर्टी सा लुक जो है आपको गाड़ी के रियर में मिलता है। क्या कमाल लग रही है ना गाड़ी। फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो डिफोगर रियर वाइपर आपको यहाँ पे मिल जाता है। बुलेरो नियो की बैजिंग मिल जाती है। कौन सा वेरिएंट है इसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है, ये देखिए। टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पे हेलोजन में टेल लैंप्स आ जाते हैं, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट। रियर में आपको स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि दिखने में काफ़ी कमाल का लगता है, और इस स्पेयर व्हील से गाड़ी का रियर लुक एक जो है स्पोर्टी सा फील होता है। वहीं आपको पीछे न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। पीछे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे पार्किंग सेंसर के, वहीं नीचे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो ये है ओवरऑल बूट स्पेस। ऑलमोस्ट 380 लीटर का गाड़ी में बूट स्पेस मिलेगा। वहीं बूट स्पेस के अंदर जो है आपको एक्स्ट्रा 2 सीट देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आप इन सीट को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, अरे यार कैसे फोल्ड होगी, ऐसे फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद अच्छा खासा बूट स्पेस निकल के जाता है। वहीं अगर आपके साथ पैसेंजर है तो आप इन सीट को अनफोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। वहीं जो सीट है ना, इन पे आपको अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बच्चे तो हालांकि बैठ जाएंगे, लेकिन बड़े पर्सन जब बैठेंगे तो यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो ना के बराबर सा है। वहीं यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा, प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पे मिल जाता है। और यह है इसका ग्रैब हैंडल। क्या सही कहानी है यार। इस प्राइस रेंज में जब आप ब्रेजा जैसी गाड़ी को लेने जाओगे जहाँ पे आपको ना के बराबर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, वहीं भाई इसी प्राइस रेंज में क्या कमाल की गाड़ी जो है आपको देखने को मिलेगी। बात करें गाड़ी की चाबी के बारे में, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फ़िलिप की देखने को मिलती है। हालांकि दोनों की आपको सेम मिलेगी, बट एक ही के साथ जो है आपको रिमोट की का फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लोक एंड लॉक का बटन है, वहीं यहाँ पर आपको फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिलने वाला है। अब चेक कर लेते हैं इंटीरियर। ये देखिए बात करें इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली ड्यूल टोन में इंटीरियर मिलेगा, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वहीं अगर बात करें डोर ओपनिंग की, तो यहाँ पे वाइड ओपनिंग मिल जाती है डोर में, एंट्री एग्जिट करने में दिक्कत आपको नहीं होने वाली। डोर पे आपको बोतल होल्डर मिलेगा, स्पीकर मिलेगा। गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलेगा, जिसमें 6 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर मिलते हैं। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए ORVM एडजस्टमेंट करने का यहाँ पे लीवर मिलेगा। वहीं सीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। सीट की क्वालिटी जो है ऑन एन एवरेज ही आपको यहाँ पे मिलती है, ज़्यादा बढ़िया सीट जो है बेसिकली यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। बट हाँ, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, सीट पर आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। रिक्लाइन एडजस्टमेंट ओबीसी बात है यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं ABC पेडल यहाँ पर मिल जाते हैं।
ये है हेडलैम्प को लेवल करने का बटन, इसमें यहाँ पे आपको मोड़ के बटन मिल जाते हैं, वहीं यहाँ पे आपको डिफोगर का बटन मिलेगा। अब चलते हैं अंदर, असली कहानी है अंदर। गाड़ी की हाइट जैसे मैं पहले बता रहा था काफ़ी बढ़िया है। आफ्टर मार्केट जो है आप इसमें फुटरेस्ट लगवा सकते हैं, क्योंकि एंट्री एग्जिट करने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्विटर, ये देखिए। अब लगाते हैं गाड़ी में चाबी और करते हैं इग्निशन स्टार्ट, इसको करते हैं बंद। ये देखिए कुछ इस प्रकार का जो है डैशबोर्ड यहाँ पे मिलता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फैन स्पीड को करते हैं कम। ड्यूल टोन में डैशबोर्ड है, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे राउंड शेप में स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत हार्ड स्टीयरिंग है भाई, तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। सामने न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। स्ट्रोक्स आपको यहाँ पे मैनुअल ही मिलते हैं, फ्यूल का बता रहा है। इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से। ये है ओवरऑल गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अरे यार, ये है ओवरऑल गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। 180 की स्पीड है, वहीं आरपीएम मीटर है, बीच में एमआईडी है, जिसमें आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो इन बटन की हेल्प से। फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप पे ओके। तो यहाँ पे आपको टीपीएमएस जैसे फीचर भी देखने को मिलेंगे। पहले टीपीएमएस जैसे फीचर आपको नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं टीपीएमएस जैसे फीचर। क्या बात है यार, बहुत ही ज़्यादा सही सी जो है मुझे अभी गाड़ी फील हुई है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा हमेशा आगे रहता है अपनी सभी गाड़ियों को लेकर। तो यहाँ पे सिंपल सा बट हाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो ये एमआईडी है ये शो कर देगी, बाकी सारी वार्निंग लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। कुछ इस प्रकार का जो है आपको सेंट्रल कंसोल मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सिल्वर सैटन का यूज़ मिल जाता है इसके चारों ओर। सामने आपको 7 इंच का या फिर मैं बोलूँ 6 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सिंपल है, ब्लूटूथ FM दैट सीट, कोई भी यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड जैसे फीचर को ये सपोर्ट नहीं करता है। सिंपल सा है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा। यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट से ही रिलेटेड। इसके चारों ओर आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलेगा। वहीं एसी की बात करें तो यहाँ पे मैनुअल एसी मिल जाता है। एसी की कूलिंग काफ़ी गजब की है और यहाँ पे आपको ओके ठीक है। तो ये सारे जो बटन हैं वो एसी के ही हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे आपको दो मोड मिलते हैं, इको एक ही मोड है यार इसमें, इको ठीक है। तो ये कहानी हो गई। और डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं गाड़ी के ग्लो बॉक्स के बारे में। बेसिकली काफ़ी बड़ा साइज का है, मैनुअल IRVM मिल जाता है। इस साइड में आपको सिंपल ही मिलता है। को पैसेंजर साइड में आपको बेसिकली वैनिटी मिरर मिल जाता है और ये है भाई लाइट जो कि हेलोजन बल्ब के साथ आती है, और उसमें भाई छोटे छोटे बटन मिलेंगे। आउटडेटेड सा मुझे फील हो रहा है, हालांकि फिर भी ठीक है, छोटे छोटे से बटन है यार ये देखो, लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड सा ये मुझे फील हो रहा है। बात कर लेते हैं गियर लीवर की। तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियर लीवर मिल जाता है। वहीं अब इसके चारों ओर में ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलता था। पहले ये वाला जो एरिया है ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश नहीं आता था, बट यहाँ पे अब आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलेगा। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट, AUX पोर्ट, और यहाँ पे आपको मिलते हैं ऑल 4 पावर विंडो के बटन्स। एक यहाँ पे बोतल होल्डर मिलेगा, 2 कप होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं, बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है मिलेगा, लेकिन आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन यहाँ पे कितना चौड़ा स्पेस है, आराम से एक आदमी आ जा सकता है भाई, इतना तगड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। अगर बात करें गाड़ी के सीट कंफर्ट की, तो बेसिकली अंडर थाई सपोर्ट एक नंबर है। अंडर थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, लेकिन जो सीट की कुशनिंग होती है वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम फील होगी, बाकी यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। तो ये कहानी हो गई इंटीरियर की। अब चलते हैं गाड़ी की सेकेंड रो में। हाइट गाड़ी में भाई काफ़ी गजब की मिलती है, एक ट्रू SUV जो है हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हाइट गाड़ी में काफ़ी गजब की ही देखने को मिलती है। इसको करते हैं आगे और अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में। तो ये है ओवरऑल गाड़ी की सेकंड रो। डोर ओपनिंग वाइड है, कोई दिक्कत नहीं एंट्री एग्जिट करने में। डोर ट्रिम की बात करें, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर विंडो का बटन। सीट की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको जैसे पहले बता रहा था, सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो काफ़ी कमाल का है, बैठने में आपको काफ़ी सही फील होगा। अब मैं बैठ चुका हूँ सीट पे, तो भाई बैठने में तो मुझे काफ़ी बढ़िया सा फील हो रहा है। फुल अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा और फुल ही आपको लेग रूम मिलेगा, और बीच में हम्प बिल्कुल भी नहीं, इसलिए 3 बंदे, इनफैक्ट 4 बंदे भी सीट पे बैठ सकते हैं, क्योंकि भाई सीट काफ़ी चौड़ी चौड़ी है। और पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल के आता है डैशबोर्ड का, क्या बात है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS विद ABD, वहीं गाड़ी में आपको ड्यूल एयरबैग मिल जाते हैं, जो कि आपको सामने ही मिलते हैं। हाइट काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको प्रॉपर जो है हेडरूम मिलता है। ये देखिए मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, लेकिन आप देख सकते हैं जो हेडरूम है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है।
तो स्पेस की इस गाड़ी में कोई भी कमी बेसिकली नहीं मिलने वाली। जो पीछे वाली सीट है ना, ये सीट यहाँ पे थोड़ा सा मे बी आपको अंडर थाई सपोर्ट में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे जो है आराम से यहाँ पे बैठ पाएंगे। वहीं पीछे भी आपको एक लैंप मिल जाता है। ये कहानी हो गई ओवरऑल स्पेस की, अच्छा खासा स्पेस है। अगर बात करें कॉम्पिटिशन की तो ब्रेजर जैसी गाड़ियों में ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन भाई इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। वहीं बात करें व्हील बेस की तो यहाँ पे व्हील बेस भी काफ़ी शानदार मिलने वाला है। अब चेक कर लेते हैं फाइनली गाड़ी का इंजन। तो यहाँ से होगा हुड ओपन। हुड ओपन कहाँ से होगा भाई, ये देखिए यहाँ पे मिल जाता है लीवर हुड को ओपन करने के लिए। इसको करते हैं बंद, लाइट भी बंद कर देते हैं भाई। तो यहाँ से होगा ओपन भाई। हैवीनेस है भाई, जो उसका हुड है भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बात कर लेते हैं इंजन की, तो इसके अंदर 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो कि निकालता है 100 bhp और 260 nm का टॉर्क। जो इंजन है वो रिफाइन है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है हुड पे। और बात करें माइलेज की, तो कंपनी ऑलमोस्ट 18 की माइलेज क्लेम करती है इस इंजन के साथ। भारी है भाई इसका बोनेट। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल बोलेरो नियो के N8 वेरिएंट की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 11,70,000 रुपये में भाई ऐसी कार, ऐसे फीचर, वहीं इतना पावरफुल इंजन, कमाल का ही जो है डील हो सकती है आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।